खेसारी लाल यादव को लगा बड़ा झटका, अब गाना नहीं गा पाएंगे खेसारी। कोर्ट ने लगाया खेसारी के गाना गाने पर रोक। जी हाँ, तो आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों कोर्ट में चिल्लाते रह गए खेसारी और कोर्ट ने खेसारी की एक नहीं सुनी, आइए आपको पूरा माजरा समझा देते हैं। दरअसल खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच 27 मई 2021 को 30 महीनों के भीतर 200 गानों को लेकर 5 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। लेकिन 30 महीने के अंदर खेसारी ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को सिर्फ 89 गाने ही दे पाए। 30 महीने बीत जाने के बाद खेसारी को लगा कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और वो दूसरे म्यूजिक कंपनी के लिए गाने गाने शुरू कर दिए, जिसके बाद ग्लोबल म्यूजिक कंपनी ने खेसारी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और फैसला ग्लोबल म्यूजिक के हक में आया। अदालत ने खेसारी को 30 सितंबर 2025 तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा दूसरी म्यूजिक कंपनी के लिए गाना गाने से खेसारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट में खेसारी ने अपनी सफाई पेश की। खेसारी ने कहा कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए वह एग्रीमेंट को ठीक से समझ नहीं पाए। ग्लोबल म्यूजिक ने उनके खिलाफ साजिश की है। खेसारी ने अपने बयान में ये भी कहा कि मुझे जितने पैसे म्यूजिक कंपनी के तरफ से मिले थे उतना काम करके मैंने दे दिया। अदालत ने खेसारी की एक न सुनी और इनके इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया। इसी के साथ अदालत ने खेसारी को फिल्में करने, टीवी चैनलों पर परफॉर्म करने, अपने सोशल हैंडल को यूज करने और स्टेज शो करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के इस फैसले पर खेसारी का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, आगे और भी बहुत रास्ते हैं। धैर्य बहुत बड़ी चीज है, अगर धैर्य है तो जिंदगी में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं गरीबी से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, ईश्वर ने चाहा तो आगे सब ठीक होगा। कष्ट तो होता ही है, लेकिन मैं हताश नहीं हूँ। वेल, तो खेसारी अब 2 साल तक किसी और कंपनी के लिए कोई गाना नहीं गा पाएंगे। वेल, इस खबर पर आप सबकी क्या है राय बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, और भी ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।